साथियों जी, हमारे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अतुल बारी सिद्दीकी साहब जी, पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक आदरणीय जगदा सिंह जी, पार्टी के नेता जयप्रकाश यादव जी, जनरल सेक्रेटरी जनाब कमरे आलम साहब जी, ग्राम से चतुर्वे जी, रमई राम जी, उदय राय चौधरी जी, आलोक मेहता जी, विशेष अतिथि का हम स्वागत करते हैं अपने दल में। कार्तिक सिंह जी, भंडू मंडल जी, चित्रांजन जगत जी, शिव चंद्र राम जी, अशोक सिंह जी, अनिल साधु जी, सुरेंद्र यादव जी, सुरेश पासवान जी, चंद्रशेखर यादव जी, अनिता देवी जी, ललित यादव जी, तनवीर हसन साहब, अवध बिहारी चौधरी जी, ससराल आलम जी, भोला यादव जी, रामबली चंद्रवंशी जी, मुनेश्वर चौधरी जी, भाई नरेंद्र जी, कालेश्वर हेट जी, सुजन स्वराज जी और 28 सदस्य से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि जो आए हैं उनका स्वागत करते हैं। सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण, मीडिया के दोस्तों और जितनी हमारी पार्टी में माताएं बहने यहाँ आई हैं और खासतौर पर हमारे नौजवान युवा साथी, आज 11वां खुला अधिवेशन आप लोगों के बीच हुआ। 10 प्रस्ताव आप लोगों के बीच रखने का काम किया, जिसको सर्वसम्मति से पारित आप लोगों ने किया। इसके लिए हम तहे दिल से आप सब लोगों के धन्यवाद देते हैं और हम समस्त पार्टी के कार्यकर्ता, बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की ओर से हम आदरणीय लालू जी को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने फिर से वो जो 11वीं बार राष्ट्राध्यक्ष उनको चुनने का काम किया है। और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से एक बार आदरणीय लालू जी पर भरोसा करने का काम किया है। सब पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देश जो है बुरे दौर से गुजर रहा है। याद कीजिए 2014 में आदरणीय लालू जी ने आप सबों के बीच कहा था, देश टूटेगा या एक रहेगा यह फैसला देश की जनता का करना है। जो लालू जी का कहा हुआ उस समय अगर हम लोग सचेत हो जाते, उस समय अगर हम लोग पूरी धन बल से लग करके उनकी बात को मानते हुए उस दिशा में अगर काम करते तो शायद